पेड़ है पूरा। ले चक्कर हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं अमित भैया, पंकज भैया और ठेसबुद्धि जाने वाले हैं सदर, क्यों कुछ गदर मचाने। ठेसबुद्धि और पंकज भैया तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें बुला के लाता हूँ, फिर हम सभी निकल जाएंगे अमित भैया के घर के लिए। अब सबसे पहले मैं पुनिया भैया को बुलाने जाता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ कि ठेसबुद्धि भी पंकज भैया के घर पे ही है। पुनिया भैया को अर्धनग्न अवस्था में देखकर ठेसबुद्धि एक मौके की तलाश में था। अब पुनिया भैया अपना बदला लेने की सोचता तो है, पर अपनी अवस्था को देखकर वह अपने पैर पीछे कर लेता है। अब पुनिया भैया अपने बदन को ढकने के लिए अपने कुछ वस्त्र ढूंढ रहा होता है और ठेसबुद्धि अपनी आदतों से मजबूर है, यानी कि दिमाग से सुन और हाथ पैरों से धुन। अब पुनिया भैया अपने बदन को ढकने के लिए वस्त्र तो ढूंढ लेता है, पर पहनने का मौका नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि पुनिया भैया के सामने अभी इंसानी रूप में एक दानव खड़ा है जिसका नाम है ठेसबुद्धि, जो कि है दिमाग से ठेस और शरीर से ठोस। अगर पंकज भैया की जगह मैं होता तो मैं अब तक टी शर्ट पहन चुका होता। अब ठेसबुद्धि की इन हरकतों को देखकर पुनिया भैया अपना आपा धीरे धीरे खोता जा रहा था, पर अपने लिए एक परफेक्ट टी शर्ट सिलेक्ट करने के बाद अब समय था कुछ तूफानी करने का। पुनिया भैया अपना आपा खो देता है और ठेसबुद्धि की ओर पलटवार कर देता है। अब परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है कि पुनिया भैया ठेसबुद्धि की फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है टी शर्ट। अब ये एक दूसरे की टी शर्ट के खून के प्यासे हो, उससे पहले इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच टी शर्ट फाड़ने वाली लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। अब पुनिया भैया ठेसबुद्धि की टी शर्ट छोड़ देता है, ठेसबुद्धि ठहरा ठेसबुद्धि, यानी कि ये अपनी आदतों से बहुत ज्यादा मजबूर है। अब पुनिया भैया शांति पूर्वक अपनी टी शर्ट पहन रहा था, पर ठेसबुद्धि की हरकतों को देखकर एक सवाल मन में आता है, जो है क्या पुनिया भैया अपनी टी शर्ट आज पहन पाएगा? क्या ये हमारे साथ सदर में गदर मचाने जा पाएगा? अगर इसका आंसर हाँ है तो आप बिल्कुल नहीं जीतने वाले। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद फाइनली हमारा पुनिया भैया अपने बदन को अपनी टी शर्ट से ढक लेता है। आज कुछ इतना खतरनाक होने वाला है, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम तीनों तैयार थे अमित भैया के घर जाने के लिए, तो फिर हम सभी निकल जाते हैं अमित भैया के घर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं अमित भैया के घर, क्यों? क्योंकि अभी हम जाएंगे तो तड़ता फड़कता करने। कहाँ पे जाएंगे? सदर बाजार में गदर मचाने। गदर मचाने, फाड़ू काम करेंगे, फाड़ू। ओके, अभी अमित भैया का हमारे पास फोन आया था, कह रहे थे कि मैं अपना पार्सल लेने आया हूँ जो भुटिया कॉलेज है वहाँ पे, तो मैं पैदल आया हूँ तो तुम मुझे अपनी बाइक से लेने आ जाओ, तो अब उन्हें लेने जा रहे हैं। मुझे ये बता, तू उससे भूतिया कॉलेज कह रहा है, तुझे कौन सा भूत दिख गया वहाँ पे? वहाँ पे बच्चों की आत्मा आती है पढ़ने, मैंने एक भी दिन वहाँ पे बच्चे नहीं देखे। हाँ, मैं नहीं जा रहा। भैया बोल रहे थे कि बहुत बड़ा पार्सल है। ओ भाई, ये तो ज्यादा ही बड़ा पार्सल है, ये तो मुझ पे भी नहीं चलेगा। और ये देखो भाई साहब, केक आ गया खाने के लिए, थैंक यू जिसने भी भेजा हो। मेरे 50,000 फॉलोअर्स पूरे हो गए इंस्टाग्राम पर, थैंक यू आप सभी को। हम ये केक लेकर घर पहुंचते ही हैं कि इन जॉम्बीज को इस केक की खुशबू आ जाती है, पर अभी मिलेगा किसी को नहीं। अभी हम जाने के लिए रेडी हैं बिल्कुल पूरे, मगर अभी एक और केक आ रही है शायद तो। अब हम सब यहाँ एक और पार्सल के इंतजार में बैठे हैं और वो पार्सल भी थोड़ी देर में आ जाता है, और इस पार्सल में भी केक होता है। फिर भैया ये वाला पार्सल भी लेकर अंदर आ ही रहे होते हैं कि चेहरे पर खुशी देख रहे हो। ठेसबुद्धि को बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है केक खाने का। अब इस केक को खाने के लिए सभी पीछे पड़ जाते हैं, पर भैया ठहरे भैया, जो किसी को कुछ नहीं देते। फिर ये सभी अपना गंदा सा मुंह लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अमित भैया के घर हमारे ये नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो फिर हम इन सभी को एक एक खाने के लिए केला दे देते हैं। अब हाथ मिलाने के बाद अब ये नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स भैया के होम टूर की डिमांड रखते हैं। अब ये नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स भैया जी की छत पर जाना चाहते हैं। अब इन सभी की डिमांड को पूरा करने के लिए हम सभी इन्हें छत पर लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ही ये बच्चे छत पर आते हैं और अपना केला खाकर खत्म करते हैं, हम इनसे कहते हैं कि अब अपने डोले दिखाओ, क्योंकि हम इनसे कह रहे थे कि केला खाकर डोले बढ़ जाते हैं। दिखा दूं क्या अपना डोला? हाँ, दिखा दे। चल ठीक है। तो फिर ये बच्चे अपने डोले दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया देखो मेरा बड़ा है। नहीं भैया मेरा बड़ा है, देखो भैया मेरा बड़ा है डोला। और भैया इनके डोले देखकर घबरा जाते हैं और इन सभी बच्चों को इनके घर भेज देते हैं। अब एक सदी बाद हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, इनकी वजह से लेट हुए, इनकी वजह से हाथ मल चुका है। अब काफी देर का इंतजार सहने के बाद हम सभी थोड़े से ट्रैफिक को झेलने के बाद हम सभी पहुंचे आते हैं आगरा के सदर बाजार। तो अभी हम सदर आ चुके हैं और मुझे और भैया ही को पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। हम जो सोच के कोशिश करेंगे कि हम प्लान को सक्सेसफुल बनाएं, मगर देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी आप देखेंगे कैसे एक हंसता खेलता इंसान दो पल में ही खून के आंसू रोने लग जाएगा। अब हम घर से कुछ तगड़ा सा प्लान करके आए थे, पर जो भी आइडिया था वो अमित भैया का था। अब उस प्लान को कैसे अंजाम देना है, बस उसी बारे में सोचा जा रहा है। अब इन दोनों में से किसी को भी हमारे प्लान के बारे में पता चल गया या फिर छोटी सी भनक भी लग गई तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये प्लान कैसे भी करके सक्सेसफुल करना ही करना है। सबसे पहले हम इस खुराफाती आइडिया को ठेसबुद्धि के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, पर आज पता नहीं ठेसबुद्धि में कहां से बुद्धि का विकास हो जाता है, ये समझ जाता है कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। अब बचा हमारा पुनिया भैया। अब मुझे ये डर था कि कहीं ये भी ना समझ जाए कि इसके साथ क्या होने वाला है। पुनिया भैया को भी थोड़ी थोड़ी भनक लग जाती है। नहीं नहीं कुछ काला नहीं है। कुछ तो काला लग रहा है। परोसा ना तो है, परोसा तो है, पर कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है अभी।
थोड़ी ही देर में ठेस बुद्धि को मितुया समझा चुके थे और ठेस बुद्धि को भली बात ही पता है कि उसे क्या करना है। जो मितुया ने बोला है क्या ठेस बुद्धि वो कर पाएगा। जो हम घर से सोच के आए थे वो 99% पूरा हो चुका था और अब 100% हमारे प्लान के हिसाब से अभी बस आधा ही काम हुआ था और पूरा काम जब होगा जब पुनिया भैया इस भरी मार्केट में अपनी तड़कती भड़कती एंट्री मारेगा। पर अब इस अवस्था में कोई भी ऐसी भरी मार्केट में नहीं आना चाहेगा, पर हमारा काम अब इसे कैसे भी करके मार्केट में लाना है। अब पुनिया भैया को इसकी टी शर्ट जब मिलेगी, जब ये इसी अवस्था में हमारे साथ भरे बाजार में थोड़ा समय व्यतीत करेगा और हम इसके लिए एक शर्त भी रखते हैं। पंकज भैया तुझे तेरी टी शर्ट मिल जाएगी पर एक शर्त में मिलेगी। इधर देख, पहले एक शर्त ये है कि तुझे वेज रोल खाना पड़ेगा सबके सामने भाई, ऐसे ही भाई खाना पड़ेगा तभी टी शर्ट मिलेगी, वरना तुम घर जाना भूल जाओ। भूल जाओ अभी तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, बताओ वेज रोल खाना पड़ेगा हमारे साथ वहाँ पे खड़े होके ऐसी हालत में ही। अब पता नहीं अपने बदन को ढकने के लिए ये पेड़ कहाँ से ले आया है, पर अब कहीं से भी लाया हो मस्त लग रहा है। अब मैं तो इससे कहता हूँ कि तू पूरी मार्केट में ऐसे ही घूम, पर ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। अब ये बिना पेड़ के तो जा नहीं पा रहा, अब पेड़ को लेकर क्या ही जाएगा। पुनिया भैया की टी शर्ट को इसके बदन से अलग करें हमें आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है, पर ये मार्केट में आने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम यहाँ से अपना एक लेवल अप करते हैं। एक लेवल अप करना इस प्रकार है कि हम जिन बाइकों से आए थे उन बाइकों को हम पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि पुनिया भैया मार्केट में आने से मना कर रहा था। फिर हम पुनिया भैया से कहते हैं कि ठीक है तू मार्केट मत आ, पर हम लोग अपने घर चले जाते हैं। और हमारी इन हरकतों को ये अंकल बहुत देर से देख रहे थे और इन अंकल को हमारी ये हरकत देखने में बहुत मजा भी आ रहा था। पर कुछ अंकल पंकज भैया के सपोर्ट में आते हैं। अब इसकी टी शर्ट को छीने हुए हमें बहुत देर हो जाती है और अभी तक इसने मार्केट में एक कदम नहीं रखा, पर हमारे प्लान के अनुसार जब तक ये मार्केट में नहीं आएगा इसे इसकी टी शर्ट नहीं मिलने वाली। फिर हमें तो ये अपनी भैया के लिए एक कंडीशन भी रखते हैं। कंडीशन ये है अपनी टी शर्ट चाहिए, हम ता टेबल पर रोल खाते खड़े हैं, बाहर टेबल पर हम तेरी टी शर्ट को ले है। अब जब तक ये कंडीशन नहीं सुनेगा इसकी टी शर्ट इसको वापस मिलना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। बोलो जुबा की इस लड़के को इधर लेके आ सकते हो नाम है। रियो कंडीशन ये है कि जहाँ रोल खाते उस टेबल पर तेरे को आना है हमारे साथ रोल खाने, वहीं तेरी टी शर्ट रखी है आके पहन लियो। ठीक है आया आया और रोल तो ऑर्डर में आया। अब अपनी बाइकों को पार्किंग में लगाने के बाद जिस जगह की हमने पंकज भैया को बोला था हम वहाँ पहुँचे जाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर पुनिया को आना है, यहीं पर हम उसकी टी शर्ट को रखेंगे, आकर पहन लेना और रोल खाकर चले जाना। क्या सच में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा और जलील करेंगे भैया। अब हम पुनिया भैया को विश्वास दिलाने के लिए वीडियो कॉल भी कर लेते हैं और हम पुनिया भैया से कहते हैं कि तेरी टी शर्ट इसी टेबल पर रखी है, और हम उससे कहते हैं कि अब यहाँ आ जा और अपनी टी शर्ट ले जा। अब इसकी इस हालत पर सबसे ज्यादा हंसी और मजा इन भैया को आ रहा है। अब इसको यहाँ खड़ा देखकर एक अंकल इससे बोलते हैं कि जल्दी वहाँ से हटो। अब इस मार्केट में पुनिया भैया को ऐसे देखकर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत हंसी आ रही थी, पर पुनिया भैया का पूरा फोकस अपनी टी शर्ट को हम लोगों से लेना था। पर इसकी टी शर्ट जो थी वो थी ठेस बुद्धि के हाथ में, जो कि इसे आसानी से देने नहीं वाला। अब ठेस बुद्धि एक तो इसकी टी शर्ट नहीं दे रहा, ऊपर से इससे हल्के पुल्के मजे और ले लेता है। हंसी आना स्वाभाविक है। बहुत देर होने के बाद हम सोचते हैं कि अब पुनिया भैया को थोड़ी बहुत रात की सांस दी जाए। अभी हम उस पेड़ के नीचे जा रहे हैं जो ये वाला पेड़ है नीम वाला, इसी के नीचे बैठेंगे हम और वो यहाँ पे आएगा तो टी शर्ट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। यो यो पर ये हमारे पास ना आकर फिर से वहीं भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये अमित भैया के पास आता है और यहाँ से फिर ऑटो वाले भैया के पास जाता है। भैया भैया बहुत नंगा आदमी है, पैसा ना यहाँ पे। वो तो देखकर ही पता लग रहा है। अब हम पुनिया भैया को लास्ट चांस देते हैं इसकी टी शर्ट को इसको देने का, और अब पुनिया भैया को वहाँ से भाग कर आना है और अपनी टी शर्ट यहाँ से उठाकर ले जाना है। अब सवाल ये आता है कि क्या पुनिया भैया यहाँ से अपनी टी शर्ट उठा पाएगा, क्या वो आज अपनी टी शर्ट पहन पाएगा, क्या वो इस टी शर्ट को पहनकर अपने घर जा पाएगा। अब इन सभी सवालों का आंसर होता है जी हाँ। अब क्या है, अब पुनिया भैया को इतना परेशान करने के बाद समय था इसे कुछ खिलाने पिलाने का, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। तो जैसा कि हमने सभ्यता से अपने एक कदम पीछे खींच लिए हैं और उदम में अपने हाथ मैले कर लिए हैं, तो अब हाथ तो सभी के मैले हो गए हैं, अब बस ये मैलापन अब बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। अब देखना ये है कि हमारे ये मैले हाथ किस पर साफ होते हैं। ओ ये अब यहाँ पर सभी अपनी पसंद के अनुसार खाने पीने का मंगा लेते हैं। अपने भैया तो आपको आज कैसा लगा भाई? लगा तो बेकार रहा था, पर क्या अगर मेरे मजबूरी में फंस गए।
मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो तू क्या सोच के आया था घर से? मैं तो यही सोच के आया था वहाँ फोटो शूट होंगे और इंस्टाग्राम पर चढ़ाएंगे। तू इंस्टाग्राम पे नहीं आओ तो सब जगह चढ़ेगा। अब खाना पीना खाने के बाद हम सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और रोमांचक वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।